क्वेश्चन नंबर 14 में पिछले वीडियो में कुछ मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। और वो मिसप्रिंट जो था वो ये था कि a माइनस बी एंड a प्लस बी आर द जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल लिखा गया था, जबकि इसमें है a माइनस बी a और a प्लस बी, ठीक है। तो अगर a माइनस बी a और a प्लस बी इसका जीरोज़ है तो यहाँ से साफ हम देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोज क्यूबिक है ना, ये क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक का तीन रूट होता है अल्फ़ा, बीटा और गामा। तो एक फार्मूला हम पढ़े हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए। तो जब तीन रूट्स दिए हुए हैं, तीन जीरोस दिए हुए हैं, तो एक को अल्फ़ा मान लो, दूसरे को बीटा मान लो, तीसरे को गामा मान लो। तो अल्फ़ा के जगह पे आप रख दो ए माइनस बी, फिर प्लस बीटा के जगह पे आप ए रख दो और गामा के जगह पे आप ए प्लस बी रख दो। ये वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए। तो ये होता है एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, तो इसमें भी माइनस है। तो ये माइनस ऑफ सिक्स बाई ए लिखोगे तो टू होगा, ठीक है। तो ये बी से बी कटेगा और ए मिल के थ्री ए हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस और दो तीन छः। तो ए का वैल्यू पूछा था, ए का वैल्यू आपका निकल गया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, एंड सो ऑन, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स क्यूब माइनस सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इज डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, राइट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसका दो तरीका है बनाने का, एक तो आप उससे भाग दीजिए इसमें और जो क्वेशियंट है और रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को जीरो से इक्वेट कीजिए। क्यों रिमाइंडर को जीरो से इक्वेट करें, क्योंकि वो डिविजिबल है। और वहाँ से ए और बी निकालिए, सोचिए, कोशिश कीजिए। और एक मेथड टू क्या है जो इजी हमें समझ में आ रहा है कि अगर इफ़ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी है ना इज़ डिविजिबल बाई दिया हुआ है क्वेश्चन, डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, देन हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। और यदि ये इसका एक फैक्टर है तो निश्चित रूप से जब इसका एक ये फैक्टर है तो इसका जब जीरो निकालेंगे तो इसके जीरो से जब इक्वेट करेंगे तो ये फैक्टर है तो ये भी इसका जीरो होगा। तो दिस इम्प्लाई लिखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाई एक्स कॉमन ले तो एक्स माइनस वन विल बी ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन विल बी द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है। अब ये पता चल गया कि x बराबर जीरो इसका एक जीरो है और x बराबर वन इसका एक जीरो है, दैट मीन्स दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एट x इज इक्वल टू ज़ीरो विल बी ज़ीरो। तो यहाँ से जब हम जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो होगा, प्लस जीरो होगा, माइनस ए इंटू ज़ीरो होगा, प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो होगा। दिस इम्प्लाई b का वैल्यू जीरो आया, क्योंकि ये कहानी तो जीरो में मिल जाएगी। ऑल्सो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एट x इज इक्वल टू वन विल बी ऑल्सो ज़ीरो। तो अगर ये वन पे भी जीरो होगा तो ये वन का क्यूब वन होगा, वन का स्क्वायर भी वन होगा, माइनस ए इंटू वन प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से वन वन और टू हुआ, माइनस ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ से आप जीरो लिख सकते हो। तो ए का वैल्यू आपका टू आया, माइनस ए को उधर भेज दो प्लस ए, तो ए बराबर टू आ जाएगा आंसर इसका। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू टू है एंड बी का वैल्यू आपका ज़ीरो है, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, 17 भी बताएंगे वैसे, है ना, पहले 16 और 18 देखते हैं। तो 16 में क्या कह रहा है, ध्यान से अगर देखा जाए तो कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ द पॉलीनोमियल
2x² + 7x + 5 राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर अल्फा बीटा इसका जीरोज़ है, 2x² + 7x + 5 का एक जीरो अल्फा और एक जीरो बीटा है, तो हम यहाँ से सम ऑफ जीरोज निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई ए होता है, तो ये -7/2 हो जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू 7 है और a का वैल्यू 2 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा c बाई ए, तो वो हो जाएगा 5/2। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है उसमें पूछा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू बताइए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से आप 7 - 7/2 लिखोगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा 5/2 लिखोगे, तो एलसीएम लोगे तो 2 आएगा, -7 + आपका क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा -2/2 यानी कि -1, यानी कि इसका जो वैल्यू आया वो आया -1। जितने भी तुम्हारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम लोग टच करेंगे एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई के एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 था उसको बता देते हैं कि वो बोल रहा है कि स्टेट द डिवीज़न एलोग्रिथम। जितना भी हम लोग ये काम कर रहे थे, एक जी एक्स पोलोमियल था और एक पी ऑफ एक्स पोलोमियल था और एक यहाँ क्यू ऑफ एक्स पोलोमियल था और यहाँ पे एक आर ऑफ एक्स पोलोमियल था, तो कोई भी डिवीज़न एलोग्रिथम का फुलफिल करना है तो एक एग्ज़ाम्पल ले लो, है ना, जो डिवाइड करो, भले रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सेटिस्फाइड कर दो कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू किनारे किनारे का मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ये फुलफिल करा दो, बस हो गया स्टेट डिवीज़न एलोग्रिथम, ठीक है। तो ये 17 नंबर था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह का ले चुके हैं एग्जाम्पल्स में, तो तुम खुद कंसिडर कर सकते हो, बस जिससे डिवाइड करो उसका डिग्री कम होना चाहिए, जिसमें डिवाइड कर रहे हो उसमें से उसका उससे। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर -1/2 एंड -3 रेस्पेक्टिवली, राइट द पॉलीनोमियल। इसका भी दो तरीका है, क्या दो तरीका है कि सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमको -1/2 दिया हुआ है एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका -3 दिया हुआ है, और हम एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल तुरंत बनाने जानते हैं x² - s × x + p, वेयर हम जानते हैं कि s हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है सम ऑफ रूट और p हमारा अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो तुरंत हम x² - sum of root के जगह पे हम -1/2 पुट करेंगे × x + p for α × β, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3 दिया हुआ है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो x² - x/2 - -3 ये हो गया, ठीक है। इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि अगर दो कॉमन लेना चाहें या फिर 1/2 कॉमन लेना चाहें तो यहाँ 2x² + x - 6 होगा, तो ये भी हो सकता है, या फिर आप इस 1/2 को बोल सकते हो, क्योंकि जीरोस निकालते समय सम ऑफ जीरोस इसका भी अगर निकाल को देखोगे तो वो -1/2 ही आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए निकालोगे तो -3 आएगा, आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है ना, आप निकाल के देख सकते हो। और एक और तरीका क्या है वो भी देख लो, एक क्वेश्चन हम इस पर बताए हुए हैं, वैसे क्या आया हुआ है 2x² + x - 6, हाँ जीरो को नहीं लिखते हैं क्योंकि पॉलीनोमियल बनाना है, तो बस ये दिमाग में रहे कि हम लोग को जीरो नहीं लिखना है, जीरो ये गलती से लिखा गया, ठीक ना, बस। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा निकाल के देखो, -b/a होता है तो -b का नाम 1 और a का नाम 2 आ रहा है ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -1/2 जो दिया हुआ था, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आना चाहिए c/a, तो c का वैल्यू चलो लिख भी लेते हैं c/a, तो -6/2 ये आया -3 जो कि दिया हुआ है। मेथड टू क्या था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर -1/2 दिया हुआ है तो बीटा का वैल्यू तुम निकाल लो, -1/2 - α, और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू तुमको -3 दिया हुआ है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 मानो,
और दूसरे इक्वेशन में आप इसका वैल्यू डाल दो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा के जगह पे आप माइनस वन बाई टू माइनस अल्फ़ा लिख सकते हो इज इक्वल टू माइनस थ्री, ठीक है। अब अगर इसके गुना करें तो माइनस वन बाई टू अल्फ़ा और माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस थ्री। अब एक काम करते हैं, सबको आर एच एस में शिफ्ट करते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वन बाई टू अल्फ़ा और माइनस थ्री, आर एच एस में तो माइनस थ्री पहले से है। फिर बोले थे कि अल्फ़ा अगर इसका जीरोज है तो अल्फ़ा को रिप्लेस कर दो किस चीज़ से, एक्स से, अल्फ़ा को रिप्लेस कर दो एक्स से, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा ज़रा देखना, जैसे ही ये रिप्लेस करोगे अल्फ़ा को एक्स से तो ये दिखाई देगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू इंटू एक्स और माइनस थ्री, बस जीरो नहीं लिखना है, है ना। तो ये भी एक वही क्वेश्चन आया हुआ है, देख लो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई टू माइनस थ्री, या फिर अगर हम बोले कि वन बाई टू कॉमन ले लो तो ये टू एक्स स्क्वायर होगा, है ना, प्लस एक्स होगा और माइनस तीन दुना के छः होगा, तभी तो ये अंदर जाएगा तो दो से दो कटेगा, यहाँ जाएगा तो बचेगा वन बाई टू एक्स और यहाँ जाएगा तो दो तीन अच्छा कटेगा। दिस इम्प्लाई ये भी लिख सकते हो या ये लिखो केवल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, दिस इज द माई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विच सम ऑफ रूट्स इज माइनस वन बाई टू एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज माइनस थ्री, ठीक है। अब चलिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।